एक तरफ गाइस यहाँ पर अनुज और अनु दोनों आपस में मिलके रोते हैं कि हमारी बेटी अध्याय कैसी थी, कैसी है, कितनी अच्छी थी और अब क्या होगा। एंड अनुज अनु उनकी पुरानी बातें याद करके काफ़ी रोते हैं। अभी मेरे को तो समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पे एग्जैक्ट हुआ क्या है, बट शायद उनकी बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ है। इसी को लेके वो अपनी बेटी को बहुत याद करके रोते हैं। अनुज कहता है कि तुम चुप हो जाओ अनु, ऐसे एकदम से तुम इतने टेंशन ना लो, क्योंकि हम अपनी बेटी को कुछ भी होने नहीं देंगे। तुम बिल्कुल भी बेफिक्र हो रहो, और कुछ गलत होगा तो मैं हूँ यहाँ पर, मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि अनु अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और बार बार उसकी बातें याद करके रोती है। एंड ये बात जब घर वाले सुनेंगे तो वो भी काफ़ी उदास हो जाते हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। क्योंकि देखो माना, थोड़े मोटे झगड़े तो उनके घर में हमेशा से चलते रहे हैं, एंड हमेशा से ये झगड़े चलते आए हैं, बट इस बार तो मतलब ये मजाक मजाक में ऐसा हुआ, किसी ने सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था कि छोटी सी बात है और इतना कुछ बड़ा है नहीं, तो सॉर्ट आउट तो होगा ही होगा, बट यहाँ पर भाई बात बढ़ गई। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब भी कहीं कुछ बिगड़ा नहीं है, शायद अब भी हम कह सकते हैं कि वो लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो सॉर्ट आउट हो जाए तो अच्छी बात है, वरना भाई कहानी में बहुत ही बड़ा लीप आएगा। लीप नहीं आएगा पर कहानी में चेंज तो बहुत बड़ा आने वाला है। तो देखते हैं कहीं आखिर क्या होगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट करें। बाय।